नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, आज है तारीख 19 अप्रैल 2021 दिन सोमवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज कुछ महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से कार खाई में लुढ़की, 3 युवकों की मौत। चंबा उटी सैरी मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से एक कार सड़क से पलटकर खाई में जा गिरी। इससे कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मारे गए युवकों में अक्षय और नवीन निवासी कुमारका व कुशल निवासी भरेनी शामिल हैं। चंबा थाना प्रभारी शकीनी कपूर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखवा दिए हैं। पुलिस के अनुसार तीनों कार में शनिवार रात करीब 9 बजे चंबा से अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। सीएम जयराम बोले, स्कूल परीक्षाएं हो या नहीं यह सोशल मीडिया तय नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा के राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं करवानी है या रद्द करनी है यह सोशल मीडिया तय नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर परीक्षा करवाने की मांग कर सरकार की आलोचना करने वालों पर मुख्यमंत्री ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति का जीवन सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो कोरोना वायरस है उसका संक्रमण युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है, इसके चलते परीक्षाएं रद्द की गई हैं। मां बज्रेश्वरी को दान किया 4.5 किलो सोने और 20 किलो चांदी का सिंहासन। कांगड़ा की प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बज्रेश्वरी के दरबार में एक श्रद्धालु ने 4.5 किलो सोने और 20 किलो चांदी से तैयार सिंहासन दान किया है। सिंहासन की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिंहासन को श्रद्धालु ने मंदिर में ही करीब 3 माह में तैयार करवाया है। मां बज्रेश्वरी के प्रति अगाध श्रद्धा के चलते श्रद्धालु ने अपना नाम गुप्त रखा है। सिंहासन पर सोने की पत्तियां चढ़ाने, उसे सजाने और नक्काशी करने के लिए श्रद्धालु ने अंबाला के विशेष कारीगर लगाए थे। चुराव में गोवंश की हत्या के बाद तनावपूर्ण हुआ माहौल, VHP ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। जिला चंबा के चुराव तहसील के अंतर्गत आती सनवाल पंचायत के चिचुल गांव में गोवंश की हत्या का मामला सामने आया है। इसके बाद से क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस थाना तीसा का पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचकर माहौल को शांत करने में जुटा है। DSP सलूनी शेर सिंह भी घटनास्थल की ओर रवाना हुए। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने इस संबंध में कुछ लोगों को भी पकड़ा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले की कड़ी भर्त्सना की है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर केशव शर्मा ने बताया कि इस घटना से पूरे चुराह व जिला चंबा के हिंदू समाज में बेहद आक्रोश है। हिमाचल में रद्द हो सकती है 10वीं की परीक्षा, प्रमोट करने की चल रही तैयारी। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के चलते CBSE द्वारा 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की परीक्षा को स्थगित करने के बाद हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया था। लेकिन अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर प्रदेश सरकार यह निर्णय ले सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई फर्स्ट और सेकेंड टर्म की परीक्षाओं व प्री बोर्ड में छात्रों की परफॉर्मेंस को प्रमोट करने का आधार बनाया जा सकता है। विभागीय स्तर पर इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। निर्णय लेने से पहले शिक्षा विभाग ने इसको लेकर हितधारकों से राय मांगी है। रोहतांग व बारालाचा दर्रे में भारी हिमपात, लाहौल में हिमस्खलन। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रे सहित बारालाचा, कुंजुम जोत व शिंकुला दर्रे में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बारालाचा दर्रे में 3 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है, जबकि सैलानियों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे में भी 2.5 फुट हिमपात हुआ है। मनाली लेह मार्ग कई दिनों के लिए बंद हो गया है। जो जिला पास भी बहाल न होने से लेह लद्दाख सभी जगह से कट गया है। BRO की माने तो कश्मीर के रास्ते भी लेह जा रहे ट्रक जो जिला पास बहाल न होने से रास्ते में ही फंसे हुए हैं। इन सभी ट्रक चालकों को लगभग 1 सप्ताह तक का इंतजार करना होगा। घाटी के समस्त ऊंचे ग्रामीण क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। प्रदेश के कोविड मरीजों के लिए 2 गुना हो गई बेड क्षमता, अस्पतालों में अभी 1656 बिस्तर हैं आरक्षित। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए बिस्तर संख्या 2 गुना यानी 3000 करने जा रही है। वर्तमान में सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए 1656 बेड आरक्षित रखे हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में कोरोना की लहर पीक की ओर बढ़ रही है, हालांकि अभी पीक आना बाकी है। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं उस स्तर पर अपग्रेड करना जरूरी है। CM ने कहा कि कोविड मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि होना चिंता का कारण है।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगने से आर्थिकी पर प्रभाव पड़ता है और सब कुछ ठहर जाता है। ऐसी सूरत में अभी तक लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हालांकि स्थिति खराब होने पर हालात के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। विश्व धरोहर शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर फिर दौड़ा स्टीम इंजन। विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर छुक-छुक करता स्टीम इंजन चलाया गया। एक डिब्बे के साथ यह स्टीम इंजन रेलवे स्टेशन से शिमला एक्सटेंशन तक चलाया गया। रविवार दोपहर ठीक 1 बजे रेलवे स्टेशन से यह स्टीम इंजन रवाना किया गया। ओल्ड बस स्टैंड पर शिमला एक्सटेंशन के पास पहुंचने के बाद यह रेलवे स्टेशन लौट गया। इस दौरान इसमें कोई यात्री सवार नहीं था, सिर्फ रेलवे के कुछ कर्मचारी सवार थे। 118 साल पुराना शिमला कालका रेलवे मार्ग विश्व धरोहर में शामिल है। हिमाचल में 1 मई तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला आज। हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला आज होगा। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में अभी 21 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। ऐसे में 1 मई तक संस्थानों को बंद रखने के लिखित आदेश आज जारी हो सकते हैं। सरकार ने बोर्ड कक्षाओं सहित कॉलेजों की परीक्षाओं को 17 मई तक टालने का फैसला लिया है। 1 मई को परीक्षाओं को लेकर समीक्षा की जानी है। ऐसे में संभावित है कि 1 मई को ही कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखने के बाद स्कूल कॉलेजों को बंद रखने या खोलने को लेकर आगामी फैसला होगा। हिमाचल में वीकेंड टूरिज्म पर लगा लॉक, एक बार फिर कारोबार डाउन। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूटी चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन लगने के बाद हिमाचल में पर्यटन कारोबार ठप हो गया है। हिल्स क्वीन शिमला में शनिवार को शहर के अधिकांश होटलों में कमरे खाली रहे। कुछ होटलों में महज 5-10% ही ऑक्यूपेंसी रही। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पर्यटन कारोबार पर असर पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन वीकेंड पर सैलानियों की आमद जारी थी। परंतु इस सप्ताह वीकेंड पर भी सैलानी शिमला नहीं पहुंचे हैं। शिमला के होटल कारोबारियों का कहना है कि अब हालात लॉकडाउन जैसे हो गए हैं। सैलानियों के न आने के कारण होटल बंद करने की स्थिति आ गई है। HRTC ने कम किए चंडीगढ़ के लिए रूट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चंडीगढ़ में जहां वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में HRTC की बसों में भी यात्रियों की संख्या कम हो गई। इसको देखते हुए HRTC ने आधा दर्जन से अधिक बस रूट बंद किए हैं। हालांकि चंडीगढ़ में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं इमरजेंसी वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई है। बंद किए गए 7 रूटों की पुष्टि RM उन्ना सुरेश धीमान ने की है। हिमाचल के 9 जिलों में 2498 विद्यार्थियों ने छोड़े निजी स्कूल। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में 2498 विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिले लिए हैं। कोरोना संकट के बीच निजी स्कूलों की मनमानी फीस से गुस्साए अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों को अधिमान दिया है। 6ठी से 12वीं कक्षा तक अभी 1,20,156 विद्यार्थियों के दाखिले हो चुके हैं। ऊना जिला में सबसे अधिक 1,161 विद्यार्थियों ने निजी स्कूल छोड़े हैं। कोरोना से गड़बड़ाया UG-PG परीक्षाओं का अकादमिक शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने से UG के साथ PG कक्षाओं का अकादमिक शेड्यूल गड़बड़ा गया है। UG की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं 17 अप्रैल से शुरू होनी थी। इसके परिणाम जुलाई में घोषित करने की योजना थी। अब UG की परीक्षाएं मई में भी होंगी या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। सरकार 1 मई को कोरोना के मामलों की समीक्षा के बाद ही परीक्षाओं पर कोई फैसला लेगी। प्रदेश VV ने 17 अप्रैल से मई अंत तक परीक्षाएं करवाकर परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा था। इससे UGC के शेड्यूल के मुताबिक अगस्त अंत तक PG की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाती और नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो जाता। UG की परीक्षाओं में और देरी हुई तो अंत में विश्वविद्यालय को UG के पास आउट होने वाले बैच के करीब 30,000 परीक्षार्थियों की परीक्षाएं आयोजित कर इसका परिणाम सबसे पहले घोषित करने के विकल्प पर भी विचार करना पड़ सकता है, जिससे इस बैच के छात्र PG की कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। लोगों को दोबारा हो रहा कोरोना, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला कर रही महामारी। कोरोना वायरस मरीज के ठीक हो जाने के बाद भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला बोल रहा है। यह खुलासा राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय रोहडू के फार्मा विभाग की प्रियंका नागू, विनीत मेहता, शुलिनी महाविद्यालय सोलन की फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के अरुण पराशर और पंजाब के चिटकारा कॉलेज ऑफ फार्मेसी राजपुरा के तपन बहल के संयुक्त शोध पत्र में किया गया है। यह वायरस न केवल पल्मोनरी या इससे संबंधित प्रणाली को ही खराब कर रहा है, बल्कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी असर डाल रहा है। इन विशेषज्ञों ने इस बारे में भी और अध्ययन करने की जरूरत जताई है। इन शोध पत्र के अनुसार COVID-19 संक्रमण को आमतौर पर कफ, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में दर्द, स्वाद खत्म होना जैसे लक्षणों से जोड़ा जाता है।
सूखे से निजात दिलाने के लिए 700 हैंडपंप लगाएगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार करीब 700 हैंडपंप लगाएगी। इसके लिए जल शक्ति विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए हैंडपंप लगाने के लिए शीघ्र निविदाएँ आमंत्रित की जानी है, जिससे जल्द से जल्द हैंडपंप लगाने का काम शुरू किया जा सके। प्रदेश में जरूरत के अनुसार बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश में जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं, खड्डों का जल स्तर घटता जा रहा है। सरकार पेयजल संकट से निपटने के लिए भूजल दोहन कर लोगों की पेयजल जरूरतों को पूरा करेगी। बारिश और बर्फबारी कम होने के कारण इस बार मार्च अंत से ही प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं। बारालाचा के आर पार 50 सब्जियों से भरी गाड़ियों समेत 150 ट्रक फंसे। हिमाचल प्रदेश की सीमा सरचू के भीतर बारालाचा और दारचा में करीब 150 ट्रक पिछले 13 दिनों से फंसे हैं। इनमें करीब 50 ट्रक सब्जियों से भरे हैं। एक ट्रक में करीब 5 लाख की सब्जियां हैं। ट्रक ऑपरेटर का कहना है कि उनका 2.5 करोड़ का माल फंसा है। ज़्यादातर सब्जियां सड़ गई हैं। उन्हें अपने गंतव्यों तक पहुंचने में खराब मौसम और बर्फबारी बाधा बन गई है। हालांकि दोनों छोर पर फंसे वाहनों को बारालाचा के आर पार निकलने के लिए सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वे -20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में देर रात तक अपना कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर करें, साथ ही हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर कर लें, जहां आपको रोज़ाना पढ़ने के लिए अखबार, करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं।